उज्जैन में चिमनगंज थाना क्षेत्र मक्सी रोड स्थित रतन गोल्ड कॉलोनी में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवती पर कुछ लोगों ने उसके घर में घुसकर चाकू से हमला कर दिया। युवती के चेहरे पर चाकू से वार किए गए हैं। घायल युवती को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। दरअसल युवती का एक ठेकेदार से प्रेम प्रसंग चल रहा है, जिसको लेकर ठेकेदार के परिवार के लोग नाराज हैं। आरोप है कि ठेकेदार के पुत्रों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। अरे तू इसको अस्पताल ले चल यार, चलो ठीक है समझ गए। अरे चिमनगंज थाना प्रभारी जितेंद्र भास्कर के मुताबिक रतन गोल्ड कॉलोनी निवासी स्वाति नामक युवती का ठेकेदार लाला खत्री से लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा है, जिसको लेकर लाला खत्री के परिवार के लोग खासे नाराज हैं। रविवार रात को खत्री की पत्नी और पुत्रों ने अपने दोस्तों के साथ रतन गोल्ड कॉलोनी में पहुंचकर स्वाति के घर में घुसकर उस पर चाकू से हमला कर दिया। आरोपितों ने युवती के चेहरे पर चाकू से वार किए थे, जिससे वो खून से लथपथ हो गई। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग एकत्र हो गए तो हमलावर वहां से भाग निकले। हमले की सूचना मिलते ही चिमनगंज थाना प्रभारी जितेंद्र भास्कर मई पुलिस बल के मौके पर पहुंचे और घायल युवती को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया है। रतन गोल्ड कॉलोनी थाना क्षेत्र चिमनगंज में स्थित है। यहाँ रहने वाली स्वाति नामक महिला का एक ठेकेदार लाला खत्री से प्रेम संबंध है। इससे लाला खत्री के परिजन नाखुश हैं। उनके लड़कों ने और उनके दोस्तों ने आके यहाँ मारपीट की है। घायल को अस्पताल भिजवा दिया गया है। जिस प्रकार से घटनाक्रम बताया जाएगा वैसे प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया जाएगा।